मतलब हाँ। पिछले साल से ज्यादा दिया बिक रहा है कि इस बार कम दिया बिका है? दिन भर बैठते हैं 200-400-500 बिकता है और 200-400-500 ही बिक पाता है। क्या करना था, यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई खरीदने वाला यहाँ पर नहीं है। अब सभी लोगों से मैं अपील करूंगा, जितने लोग हमारे चैनल के माध्यम से दिए, मिट्टी के जरासी आस हमने पाली है, हमारी मेहनत को भी खरीदो लोगो, हमारे घर भी तो दिवाली है। ये बात मैं खुद के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप एक बार दिखाइए कि आज के समय में जहाँ पर लोग कहते हैं कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करिए, वहीं पर आप जब चाइनीज़ दुकानों पर जाएंगे, चाइनीज़ लाइट की दुकानों पर जाएंगे तो आपको भर भर के भीड़ आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे, कई सारे दुकानों पर तो एक आदमी भी नहीं है, कुछ दुकानों पर इक्का दुक्का लोग मिलेंगे। छोटे छोटे हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इस बार की जो दिवाली है कितनी इन लोगों के लिए बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मेहनत जो करते हैं धूप में बैठ करके, अभी देखिए ये लोग पक रहे हैं, हालांकि पकाने के लिए फिर आग का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी ये लोग जलते हैं और अभी भी ये लोग जल रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर कितना बिक रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पंडित। प्रमोद जी, एक बात बताइए, काफ़ी कम भीड़ देखा जा रहा है इस बार, इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं, कितना बिका अभी तक दीप आपका? कुछ बिक गया है, बहुत ही कम मैंने बचा है। बहुत ही कम बचा है आज, लेकिन बहुत कम भीड़ दिखाई दे रहा है, कल ही दिवाली है तो कल थोड़ा भीड़ था, आज थोड़ा भीड़ कम है, फिर शाम को भीड़ हो सकता है तो होगा। मतलब हाँ। पिछले साल से ज़्यादा दिया बिक रहा है कि इस बार कम दिया बिका है? पिछले साल ही जैसे बिक रहा है। पिछले साल की तरह ही बिक रहा है। जितना उम्मीद करते हैं आप लोग उतना बिक जाता है कि नहीं? उतना तो नहीं बिकता, उतना नहीं बिकता होगा, जितना मेहनत होता है उतना निकल पाता है कि नहीं? बहुत मुश्किल, नहीं निकल पाता है, उतना नहीं निकल पाता है। क्या कि लोग कहते हैं, एक तरफ देश के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, लेकिन चाइनीज़ दुकानों पर अभी आप जाएंगे भीड़ देखने को तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पर तो भीड़ बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम होता है, बहुत कम भीड़, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं आप लोगों के दुकान। हाँ। कहीं ना कहीं मेहनत का मतलब फल उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पाता है, जबकि चाइनीज़ दुकानों पर आप जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भर भर के भीड़ इसलिए मिल जाता है क्योंकि चाइनीज़ चीज़ों में उतना मेहनत भी नहीं है, लोग कीन कर लाते हैं। लोग कहते हैं एक तरफ की नेता लोग कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें, लेकिन नेताओं के जब घर पर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लाइट मिलेगा, ये लाइट शायद मुझे लगता है कि दीप वाला एक भी नहीं। देखिए ये एक दुकान है जहाँ पर कोई नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि बिक ही नहीं रहा दिया, उसी तरह से पड़ा हुआ है, और एक आदमी भी यहाँ बेचने वाले जो हैं भाई साहब उधर छाँव में जाके बैठे हुए हैं, पक पक के जब धूप में पक गए थे तब जा करके बैठे हुए। एक और इधर दुकान है, इधर मतलब बहुत सारी दुकान, देखिए यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पर भी बेचने वाले जो भाई साहब थे वो जा करके छाँव में इसलिए बैठ गए क्योंकि खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा, उसी तरह से इनका सारा सामान पड़ा हुआ है। एक बार दिखाइए, और इधर कुछ भाई साहब लोग हैं, इन लोगों से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी एक बात बताइए, पिछले साल से दिया ज़्यादा बिका है कि इस बार कम बिक रहा है पिछले साल? अभी तो समस्या बहुत रहती है, थोड़ा कम ही बिकता है इस टाइम, अभी पहले से जैसा नहीं है। पहले वाला बात नहीं, पहले लोग कीन लेते थे, अब नहीं खरीदता है। अभी जो आ गया इलेक्ट्रिशियन सामान आ गया है, बहुत सारे आ गया है, क्या करना, बहुत कम है। आदमी भी इनके दुकान पे एक बार देखिए भाई साहब का दर्द एक बार समझने की आप लोग कोशिश करिए कि एक आदमी भी यहाँ पर कोई दुकान पर नहीं दिख रहा है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं ना जी, कोई कोई एक दुक्का लोग है बस। कल भी धनतेरस उतना खास नहीं था, कोई खास नहीं, नहीं आज भी उतना खास नहीं है, बहुत ही कम यूज हो रहा है मिट्टी का समय। हाँ, देखिए लोग चाइनीज के तरफ भाग रहे हैं, चाइनीज दुकान पे अभी हम लोग आ रहे हैं, इतना भीड़ था चाइनीज दुकान पे कि रास्ता जाम हो जा रहा है। रास्ता जाम हो जाए, चाइनीज पे बहुत लोग चाट करता है, इस पे थोड़ा कम है, बहुत कम है, ज्यादा कम है। हाँ। मेहनत के बराबर भी नहीं निकल पाता, बराबर भी नहीं निकलता है कभी, हम लोग का मेहनत कैसा भी दो चार आदमी चाहिए काम करने के लिए, इसमें अकेला नहीं हो पाता है, क्या करना है। और दिखाइए एक बार कि सारा इनका सामान जो है एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है, बेचारे मतलब आग के सामने पक करके ही लोग पकाते हैं, आप लोग आग के सामने बैठ करके धा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं चमड़ा जल जाता होगा, और यहाँ अभी धूप है, यहाँ भी ये लोग बैठ करके अपने चमड़े को जला रहे हैं, समझिए कि ताव में अपने आप को जला करके भी लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद भी यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई खरीदने वाला यहाँ पर नहीं है। अब सभी लोगों से मैं अपील करूँगा, जितने लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जो ढोर बाबा का स्थान का मंदिर है वहाँ पर आप लोग एक बार आइए, और जितने भी दिए हैं प्रयास कीजिए कि इन सभी लोगों के जो मेहनत का फल है इन लोगों को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो मेहनत करके इन दियों को पकाया होता है उनके मेहनत के बराबर भी नहीं। आखिर में क्या कहिएगा जो लोग देख रहे हैं, मान लीजिए लोग चाइनीज माल खरीद रहे हैं, लेकिन क्या अपील करिएगा जो लोग, बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर जब देखते हैं तो क्या अपील करिएगा यहाँ आने के लिए? आने के लिए क्या करना, सभी इतना दूर दूर से आकर मेहनत करके बैठे हैं धूप में, और क्या क्या करें, दिन भर बैठते हैं
200-400-500 बिकता है और 200-400-500 ही बिक पाता है। बिक पाता है, क्या करना, धूप में बैठे भाई साहब का दर्द है, अब क्या हम कहें अब। लेकिन कहीं ना कहीं सबको खरीदना चाहिए। एक और भाई यहाँ पे थे, वो भी अभी लापता है, और कहीं ना कहीं बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। आप दिखाइए एक बार चारों तरफ, और मैं यही अपील करूंगा यार, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि इनके दुख दर्दों को दिखाया जाए और सभी लोगों से अपील किया जाए कि सभी लोग एक बार दीपों को खरीदिए, क्योंकि ये जो दीप है बहुत मेहनत से बनता है। दीप को बनाने में, एक दीप को बनाने में कितना मेहनत लगता है, इस चीज़ को भी मैंने पिछले साल दिखाया था और इस बार भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को दिखाया जाए। और अंत में जाते जाते यही अपील करूंगा कि सभी लोग आकर के कम से कम 10-20-30 दिए करके भी एक लोग अगर खरीदेंगे तो शायद इन लोगों का सभी मेहनत फल इन लोगों को मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो को शेयर करिए, सभी लोग आकर के दीप जरूर खरीदिए। जय हिंद।